तो थोड़ा सा संक्षेप में आप अपना नाम बताइए और कौन से स्टेट से हैं आप? मेरा नाम है सिद्धेश शंकर महाड़ी। अच्छा जी, बेसिकली मेरा वर्क था टैक्स कंसल्टेंट का। राज्य स्टेट स्टेट मेरा कौन सा है स्टेट आपका? नियर बाय मेरा पीएफ स्टेट ऑफिस? महाराष्ट्र है। अच्छा, नियर बाय पीएफ ऑफिस है, ठाणे, वाशी और बांद्रा बोल सकते। तीन हो गए ना, बड़े बड़े हाँ तीन पीएफ ऑफिस आपके हाँ नियर हाँ बाय हैं। हाँ अच्छा, तो अभी आप क्या आप बता रहे थे कि आप टैक्स इनकम टैक्स का काम करते हैं आप? हाँ इनकम टैक्स, जीएसटी, टैक्सेशन अच्छा इन शॉर्ट बोलते। अच्छा, और पीएफ का काम कब से आपने चालू किया? कोविड से, जब से कोविड आया, वैसे अच्छा मेरा तो प्रैक्टिस ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे मोटे व्यापारी थे, मोटे अच्छा अच्छा का, तो उनका काम बंद, तो मेरा भी काम बंद था कोविड में ऑलमोस्ट। ओहो, तो अच्छा तभी तभी एक ऐसा था कि लोगों को पैसे की जरूरत थी और मुझे काम किए, हाँ अच्छा तो ऐसा वीडियो भी सोचता था कि क्या करना चाहिए अभी। मतलब कोविड की वजह से आपको भी पता है सर, जितने बिजनेस बंद हुए उससे ज्यादा कई हाँ चालू भी हुए। हाँ सही बात है, मतलब सही बात है। हाँ, तो उसमें कुछ सर्च करते करते यूट्यूब पे आपका एक वीडियो देखा, हाँ तो फिर बोला ये काम मैं भी कर सकता हूँ। सही तो बात है। आपको लिटरली मैं स्टॉक करता था आपके हर वीडियो आगे पीछे। फिर मेरे नियर बाय ने, किसी ने पूछा कि अब पीएफ मुझे विड्रॉ करना था, आप कर दोगे? तो मैंने बोला ठीक है करते, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। तो फिर आपके वीडियो देख देख के सीखा मैं। तो फिर एक काम किया, कॉन्फिडेंस आया, फिर दूसरा किया, फिर आपके वीडियोस देख देख के आया। धीरे धीरे काम तो काम हो रहा था, लोगों को पैसे मिल रहे थे, मेरा मेरा भी काम हो रहा था, मेरा भी काम। तो इन शॉर्ट पीएफ की वजह से वो कोविड के फेज में बच गया, नहीं अच्छा तो अच्छा वह हाँ, वरना दिक्कत होती। तो अभी दिक्कत। आपको पीएफ से ठीक ठाक इनकम हो जाती है? हाँ मतलब मेरे टोटल इनकम का ऑलमोस्ट 50% बोल सकते। 50% हो गया। हाँ मतलब अभी लोग मुझे पीएफ की वजह से जानते हैं, बाकी अच्छा के काम तो साइड में हो गया हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स तो। वाला तो साल में कोई एक बार आएगा ना। हाँ अच्छा, तो अभी पीएफ के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ हो गई। हाँ अच्छा, और क्लास से आपको कितना फायदा मिला है? एक क्लास का तो बहुत बोल सकते हैं। मतलब पहले तो मैं काम तो होता था, काम होता था, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। पहले लोग पूछते थे मेरा इतना पैसा निकलना है, तो मैं इतना अमाउंट हाँ डालता था कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके, बट मुझे उसके रूल्स क्या है। क्यों इतना आया? अगर ये वही एक क्लास की वजह से आया, अच्छा तो अभी मैं अमाउंट बता देता हूँ, आपको 45,000 आएगा, तो उतना हाँ, ही आता है, या उतना ही आता थोड़ा है। 1,500 ऊपर नीचे, हम वैसे नो राउंड अप बोलते, तो वैसा। हाँ तो पहले ये मैं नहीं बता सकता था, तो और वो एक रीज़न भी फायदा आपको सही समझ आता है कि कौन सही से समझ रीज़न में आया। सिलेक्ट करना है। अभी बहुत सारे ऐसा, कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। तो अभी ऐसा नहीं, अभी हम लोग का ये ज्यादा कोशिश रहता है उसकी, जो छोटे ऑप्शन है, जो रिन्यूएबल ऑप्शन है, जो बार बार यूज कर बार बार सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो हम उसको लोग पहले यूज़ करना है। पहले ज्यादा प्रिफर उसको करना है। अभी मैं लोगों को, लोग बोलते हैं ना मुझे साइबर कैफे वाला, कि इतना इतने हाँ रेट में करता है, आप उतने रेट में करो। मैं फिर उनको समझता हूँ, आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 2 मिनट मेरा बात सुनो। ऐसा हो सर, सही बात है। साइबर कैफे में क्या होता है, फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म कोई भी भरो, पीएफ का हो, कोई हाँ, म्हाड़ा का हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम उनका का कोई हो। फर्क नहीं पड़ता तो कि फॉर्म भरना एक अलग बात है, फॉर्म भरना बड़ी बात नहीं, बट प्रॉपर जो कंसल्टिंग होता है, आपको ये करने से ये फायदा होगा, ये करने से ये करो, तो वो नहीं देगा। सही बात है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ, महाभारत का एग्जाम्पल देता हूँ। देखो अभी उसमें पीएफ में कुछ छोटे ऑप्शन रहते हैं, कुछ बड़े ऑप्शन रहते हैं। बड़े छोटे ऑप्शन रिन्यूएबल होते हैं, तो हम बार बार, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, बार बार यूज कर सकते हैं। बट बड़े ऑप्शन एक दो ही है, वो उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र हम कभी चलाते, एक राजा को मारने के लिए, या कोई उसका सेनापति रहेगा, उसके लेवल का आदमी चाहिए ना ब्रह्मास्त्र यूज करने हाँ के लिए। सही बात है। तो कौन सा हाँ ब्रह्मास्त्र कौन सा है पीएफ में? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अच्छा और बाकी अभी सब लोग। हाँ तो ऐसे कुछ एक दो ही ऑप्शन है, वो एक बार यूज किया हाँ, पूरे लाइफ में वापस नहीं यूज कर सकते। परचेज ऑफ फ्लैट हाँ होता वो है? अभी, हाँ जो भी परचेज ऑफ है, फ्लैट अच्छा है या कंस्ट्रक्शन अच्छा है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अच्छा है, चलिए अच्छी हाँ बात है, तो वही बोलता हूँ, ऐसे बड़े ऑप्शन समझा हम, देते हो आप। मैं यही कोशिश करते हैं, कुछ बड़े ऑप्शन रहते हैं वो सेफ 1,00,000, 1,00,000 सही तक का बात। जरूरत है, हम छोटे ऑप्शन यूज करेंगे, ताकि हाँ आपके बड़े ऑप्शन सेफ हो, बाद में आपको कोई कुछ जरूरत पड़े आपको, तो हाँ तभी यूज करते। ये छोटे छोटे लड़े, एक सेना सिपाही को मारने के लिए हाँ हम छोटा छोटा ब्रह्मास्त्र नहीं भेजते हो। यूज करेंगे हाँ ना,
उसको जैसे उसके लेवल पे कोविड को चाहिए। भी, कोविड को भी बचा के रखना चाहिए, हाँ, कोविड उसको का भी भी ऑप्शन बचा के बचा के रखना रखना, चाहिए। क्योंकि क्या वो होगा कोविड के, कोविड से क्या निकलता है, क्यों बचा के रखना चाहिए एम्प्लॉयर वाला एम्प्लॉयर वाला। शेयर। ठीक तो है, ये अच्छी सब बात चीज है, क्लास के वजह से समझ में आ कि क्लास की वजह से क्या आया। रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। फिर तो YouTube पे भी तो बोलते हैं लोग, YouTube पे तो सारा ज्ञान है ही। मैं अपने किसी साथी को बोल रहा था जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी क्लास है, क्लास का प्रमोशन कर दो आप अपने चैनल पे, आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो वो बोल रहे हैं, अरे सागर भाई ये बताओ PF निकालने के लिए कोई क्लास क्यों लेगा। हाँ तो ये चीज़ कैसे आप, मतलब अब आप तो क्लास ले चुके हो, तो आप क्या कहोगे कि क्लास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो अभी कैसा है, हाँ जी, कभी कभी कैसा लोगों का होता है, अभी मैं प्रॉपर कंसल्टिंग करके मेरे मतलब हाँ कम से कम छोटे ऑप्शन यूज, ज्यादा से ज्यादा छोटे ऑप्शन यूज करके मैं पैसे हाँ निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ इनफैक्ट किसी को 1 लाख की जरूरत है तो हाँ आपको पता है इलनेस से 15,000 के साथ 90,000 होता है। मैं हाँ उधर भाई तो 1 लाख के लिए तो कंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है, हाँ उससे नहीं अच्छा तो करना, 90,000 ये एक बचा कर ले। हाँ और 10,000 इधर उधर एडजस्ट कर, और तो वो बेटर रहेगा उसके लिए। उसमें अगर भरोसा मेरा भी हो फी, जाता है ना लोगों को, फिर वो बाद में भी आएगा। हाँ, तो मेरा फी 1,500 है सपोज, बाकी का उसका बेसिक के वैसे वैसे करके, तो वही काम उसको साइबर कैफे वाला 750 में दे रहा है, 750 के यहाँ तो 100-200 में भी नहीं कर 200 देते भी हैं। दे रहा है वो उसके पास चला जाता है। अभी मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस उसने यूज किया, उसका अमाउंट कितना है 2,750। आता ही अभी ऐसे, क्लाइंट होता ही ऐसे। को, अभी मैं तो करता ही नहीं, बोल भाई ये तो यूज निकाल ही मत पिए उससे अच्छा। मैं बहुत सारे लोगों को नहीं निकल सकता इसलिए ना भी बोले, बोला हाँ, आपका नुकसान है उसमें मत करो। मेरा एक क्लाइंट गया तो ऐसा नहीं, आप तो मैं आपको ये कह हाँ मैं आपसे ये कह रहा था, थोड़ा संक्षेप में रखते हैं। तो अभी आप बताइए कि संडे की क्लास आपको कैसी लगती है, संडे को जो लाइव क्लास होती है। हाँ संडे की अच्छी लगती है, क्योंकि एक बार कोर्स कंप्लीट किया तो सब आ गया ऐसा नहीं, ये ऐसा हाँ है कंटिन्यूशन अपडेट रहता है, नए नए रूल्स आते हैं नए नए अपडेशन आते हैं, तो हम हाँ लोग जी थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है आपके जितने, तो हाँ हम जी इतना हाँ जी एनालाइज नहीं कर पाते, हाँ, तो आप अपने आप जो बताते हैं नए नए प्रॉब्लम्स आते लाइव हैं तो क्लास में ही उससे खोल के दिखा देते हैं ना, बोल। हाँ ऐसा तो नहीं कि नहीं ये अलग से बताऊंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, और बाकी के साथी भी हाँ पूछते हैं जी, अलग अलग सवाल, तो और हमको वहीं भी पे है वहाँ पे बाहर। हाँ 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 आगे आने बताइए। वाले जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमको समझ जाते हैं, कि मैं ही नहीं पूछता, कि मेरे जैसे 10-15-20 लोग हाँ जितने भी होते हैं वो भी पूछते हैं तो और क्लियर हो जाता है, और अच्छा, रिपीटेशन के वजह से एकदम फिट हो जाते हैं। और व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई मिल जाता है व्हाट्सएप में। हाँ मतलब अपना क्लास नॉर्मली संडे टू संडे होता है, इन बिटवीन कोई कभी डाउट सवाल रहता है तो हुआ तो पूछ। आप व्हाट्सएप पे पूछ के आप देते हैं, ठीक है, तो वो भी तो अभी मेरे YouTube चैनल पे 500 लोग ऐसे हैं जो PF का काम करते हैं लेकिन वो क्लास नहीं लेते हैं, तो क्लास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उनको। अगर आप एक, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना, अभी कोई कोई क्लास नहीं लिया, एक केस में आपको पता है डेथ केस में 75,000 या 50,000 उसने लिया, अभी नाम नहीं मुझे याद, तो उसमें अच्छा सर का फीस तो नॉमिनल है, हाँ, इतने में अगर आपने कितना बड़ा क्लेम किया है, सबसे बड़ा नॉर्मल तो 15 लाख तक ही है, मतलब 15 लाख तक किया फुल है। एंड फाइनल सेटलमेंट 15 लाख। अच्छा, और हाईएस्ट कितना आपने चार्ज किया किसी से, हाईएस्ट। दूसरा एक था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, 15 से 20 हज़ार तक। अच्छा, चलिए, तो मतलब फीस तो ऐसा नहीं ना, फीस तो डूबी नहीं ना आपकी हाँ हर फीस बिजनेस में थोड़ा तो बहुत फी 5% 10% डूबने वाला है, वो समझ के चलना है, नहीं, तो मैं जो थोड़ा आपने क्लास ली, क्लास की फीस वेस्ट तो नहीं हुई नहीं। आपकी। हाँ क्लास की तो बिल्कुल नहीं, मतलब अच्छा, जिससे जितना उससे दिया है उससे तो 10 गुना मिला है, दस 10 गुना बीस भी कम गुना है, दस ज्यादा बीस ही है। गुना हो गया ना, 10 गुना तो हाँ समझो 20,000 हो गया, या 30,000 हो गया। 30,000 तो आपने एक कस्टमर से ले लिया होगा, और फिर इनकम तो लगातार होती रहेगी हाँ ना। होती रहते, मतलब तो अभी गुरु कभी आप और सीखने की जरूरत है या सब सीख गए। ऐसा नहीं सर, इतने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आज ही लाइव लेक्चर हुआ था उसमें भी मैंने एक नया प्रॉब्लम पूछा, ये प्रॉब्लम तो कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं एक आता बार रहेगा। सीखा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर सिद्धेश जी आप फिर कंटिन्यू कीजिए और फिर हम बाद में बात करेंगे। ओके ठीक, ओके सर, थैंक थैंक यू, यू। ओके।